समय सुबह के 5 बज रहे हैं अभी और आज हम और आप मिलकर चित्तौड़गढ़ स्थित कालिका माता के दर्शन करने जाएंगे और रास्ते में जितनी भी चीज़ें आएगी, जितने भी पोल आएगी, उन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में दिखाते जाऊंगा कि ये कौन सी पोल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको इस वीडियो में नज़र आ रही होगी दूर से, वो दिख रही हैं हमारे सामने, ये हैं हनुमान पोल। ये दूसरी पोल होती है, पहली झोरला पोल होती है और इसका गेट देखिए आप, काफ़ी मजबूत पुराने गेट हैं। इसके बाद में साइडों पर बने ये कुछ मकान आपको दिख रहे हैं, या यूँ कहूँ कि कुछ कमरे दिखाई दे रहे हैं। और इस प्रकार ये पूरा रास्ता है, किले की चढ़ाई है और समय मैंने आपको बताया सुबह के 5 बज रहे हैं। ये देखिए आप, गाड़ियाँ जा रही है और यह हम एक अगली पोल में हम जा रहे हैं अंदर। यहाँ पर चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा होती है इस जगह पर, और इस जगह पर ये देखिए कि सीधी चढ़ाई होती है यहाँ पर। और ये भी एक गेट है, यहाँ पर भी पुराने समय में इस गेट को भी बंद कर दिया जाता था, तो यानी कि सुरक्षा के हिसाब से इसमें बहुत सारे गेट लगे हुए हैं, 7 गेट है लगभग। नागनेची माता, करणी माता, सरस्वती माता, महालक्ष्मी माता और कालिका माता के कुछ इस प्रकार से बने हुए हैं। अब एक अगली पोल है झोरला पोल, और इसकी चढ़ाई चढ़ने के बाद आपको यहाँ पर एक सीधी सीढ़ी नुमा एक आकृति दिख रही है। ये सीढ़ी चढ़ रही है सीधी सीधी ऊपर, यहाँ से भी पहले वाले लोग जाते थे, सीधे ऊपर चढ़ते थे। अब ये आपके सामने आएगी लक्ष्मण पोल, और लक्ष्मण पोल को पार करते ही यहाँ पर कुछ आपको दीवारें जैसे दिख रही होगी, कच्ची दीवारें हैं लेकिन काफ़ी मजबूत हैं। और ये देखिए आप, इसके बाद जो राम पोल आएगी, राम पोल काफ़ी बड़ी है, और इसके बाद क्या है कि राम पोल के बाद बस्तियाँ शुरू हो जाती हैं। इस प्रकार से ये मकान है, यहाँ पर लोग रहते हैं। और ये है तुलजा भवानी का मंदिर, ये मराठा वंश की कुल देवी हैं। यहाँ पर टिकट घर हैं जो आप देख रहे हैं, और टिकट घर के बाद हम आगे बढ़ चुके हैं, और उसके बाद ये यहाँ पर गोल गुंबद है जिसको पूरा घूमने के बाद आपको ये पार्क वगैरह और कुछ इस प्रकार से जो दिख रहे हैं वो नज़र आएंगे। इसके बाद ये गोल गुंबद देखिए पूरा, इस गोल गुंबद को पार करते से ही और इस पार्क को पार करते से ये आपको दिख रहे नज़ारे, ये काफ़ी पुरानी हवेली है। यहाँ पर पहले राजा महाराजा निवास करते थे इस जगह पर। और इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको एक टिकट घर दिखाई देगा, वहाँ पर क्या है कि रात को साउंड्स एंड लाइट्स होता है, यहाँ पर इस जगह पर आपको टिकट मिलता है शाम को, और यहाँ पर साउंड्स और लाइट्स होता है रात को, जो काफ़ी शानदार है चित्तौड़गढ़ का। और इस प्रकार इसको पार करने के बाद आप एक अगली पोल में प्रवेश कर जाएंगे, और अगली पोल आएगी जो मैं आपको बताऊँगा, जिसका नाम है बड़ी पोल। और बड़ी पोल इस प्रकार से है, इसके बाद ये बीच में छोटे मोटे मंदिर हैं, जैसे मीराबाई का मंदिर आ जाएगा और इस प्रकार का कुंभ श्याम मंदिर आ जाएगा। और इसको पार करने के बाद यहाँ पर लोग सुबह की सैर करने के लिए भी यहाँ पर आते हैं, और ये आपको दिख रहा है विजय स्तंभ, जो कि विजय का प्रतीक है, ये आपको दिख रहा है, ये पास से नज़र आ रहा है, काफ़ी शानदार है यहाँ पर विजय स्तंभ। और विजय स्तंभ का ये मेन गेट है और यहाँ से पूरा देखा जा सकता है। विजय स्तंभ के बाद हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद कुछ और चीज़ें मैं बताते जाऊँगा आपको, रास्ते में जो भी चीज़ें आ रही है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। और ये रास्ता है सीधा, और हमारी जो मंजिल है कालिका माता मंदिर वो जस्ट थोड़ी ही दूर है, आने वाला है बस, और हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी टीम के साथ, और हम काफ़ी मित्र हैं साथ में। ये रास्ता जा रहा है, आप बाइक से भी आ सकते हैं लेकिन हमने पैदल जाने का निर्णय लिया है। और ये है पानी का स्रोत, यहाँ से जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, पुराने जो रहते थे, उनके लिए पानी का स्रोत था। पानी के स्रोत काफ़ी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि एकमात्र ऐसा किला है जिस पर खेती भी होती है और लोग निवास भी करते हैं, काफ़ी बड़ा है। ये तालाब भी है, यहाँ पर भी पानी का स्रोत हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि पीने का पानी कम और नहाने धोने वगैरह का पानी ज़्यादा काम में लिया जाता था। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, और वो दिख रहा है आपको मंदिर दिख रहा है, ये है हमारा मकसद जहाँ पर हम चलेंगे, और ये है कालिका माता मंदिर। मंदिर के अंदर फ़ोटो खींचना मना है, तो हम दूसरी वीडियो में कोशिश करेंगे कि अंदर का नज़ारा दिखा सकें। जय हिंद।